मस्त एकदम भरवा भिंडी बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। रोटी के साथ खाइए, रोटी के साथ सर्व करेंगे दोस्तों। भिंडी, भरवा का भिंडी, वाह खूबसूरत सा, एकदम टेस्टी टेस्टी, खाने में इतना टेस्टी लगता ना, और इसका खुशबू गजब लग रहा है एकदम। साथ में पुदीना पत्ता भी हम दिए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का रेसिपी होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए हमारे वीडियो के पास। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और देखिए अभी हम तोड़ने आ गए हैं भिंडी, छोटा छोटा पौधा है दोस्तों, क्योंकि आजकल जेठुआ भिंडी लगाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही छोटा छोटा रहता है, लेकिन फिर भी भिंडी फड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। और देखिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत भिंडी एकदम फड़ा हुआ है दोस्तों। एक दिन हमने भिंडी का सब्जी भी बनाया है दोस्तों, ग्रेवी वाला मसालेदार सब्जी भिंडी का। तो हम अभी आज भरवा, भिंडी का भरवा बनाएंगे दोस्तों। तो हम अभी तोड़ते हैं भिंडी यहाँ से ताज़ा ताज़ा। ये काफ़ी सुंदर सुंदर भिंडी है, बहुत ही नाजुक नाजुक भिंडी है दोस्तों, और एकदम ताज़ा ताज़ा। हमको दिखा रहा दोस्तों ये लोग भिंडी, भिंडी है भिंडी। अच्छा हम तोड़ लेंगे, पेड़ टूट जाएगा, छोड़ दो बेटा। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, यहाँ है। गुड मॉर्निंग बोलो, दोनों भाई बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा ताज़ा ताज़ा एकदम भिंडी तोड़ लिए हैं दोस्तों। तो चलिए हमारी सपनों का किचन में भी बनाते हैं इसका भरवा भिंडी। चलो बाबू, तो फाइनली दोस्तों किचन पे आ गए हैं देख सकते हैं, और बाबू लोग यहाँ बैठा दिए हैं एकदम छाव में, क्योंकि बहुत एकदम तेज धूप है दोस्तों। अभी भिंडी को धो लेते हैं बढ़िया से। दोस्तों अभी भिंडी को कट कर लेते हैं। ये देखिए भरवा भिंडी बनाने के लिए इस तरह से लंबा लंबा कट करेंगे दोस्तों भिंडी को, सिर्फ आगे इसका और पीछे का डंठल इस तरह से कट करेंगे, और इस तरह से बीच से चीरा लगाएंगे देखिए, ताकि हम इसमें मसाला भर सकें। इस तरह से यहाँ पे मसाला भरेंगे दोस्तों, इसलिए बीच में इसका चीरा लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे मसाला भरेंगे, तो इसी तरह से भी सारा भिंडी को कट कर लेते हैं। सारा भिंडी को इस तरह से बीच बीच में कट कर लिए हैं दोस्तों एकदम अच्छा से, तो इसको रखते हैं साइड में भी। और देखिए इतना सारा मसाला लिए हैं, सारा जीरा लिए हैं, और यह गरम मसाला खड़ा मसाला, और इतना सारा सौंफ, इतना सारा लहसुन और सूखा मिर्च। तभी सारा मसाला को एकदम अच्छा से पीसते हैं दोस्तों, पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम सूखा ही पीसेंगे, सूखा पाउडर बनाएंगे दोस्तों इसका एकदम। सारा मसाला को देख सकते हैं इस तरह से दरदरा कूट लिए हैं दोस्तों, उठा लेते हैं। तो दोस्तों भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है मसाला को तैयार करना। तो देख सकते हैं पहले लिए इतना सारा बेसन, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मसाला, हम लोग मसाला कूट के रखे थे वो मसाला सारा, कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दोस्तों। तो सारा मसाला को भी अच्छा से मिक्स करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करते हैं दोस्तों, मसाला थोड़ा भुरभुरा टाइप हो,
तो दोस्तों देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा से मिक्स किए हैं दोस्तों। ये देखिए, देखिए कुछ इस प्रकार से मसाला मिक्स हो गया है। एक खास बात बता देते दोस्तों, मसाला सारा मिलाने के बाद थोड़ा सा ही है, हम लोग जो अचार में देते हैं वो वाला मसाला दोस्तों, अचार का मसाला इस तरह से मिक्स कर देते हैं, थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा। हमारे पास चाट मसाला रहता तो हम चाट मसाला डालते दोस्तों, लेकिन चाट मसाला नहीं है इसीलिए हम अचार वाला मसाला मिक्स कर दिए हैं थोड़ा सा। जब सारा मसाला को एकदम अच्छा से सबसे एकदम मस्त से भरते हैं दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं, सब बढ़िया से एकदम देखिए इस तरह से आराम आराम से भरना है दोस्तों, और इस तरह से दबाते जाना है हल्का हल्का इस तरह से। मसाला को देख सकते हैं भिंडी में इस तरह से भर दिए हैं दोस्तों। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं दोस्तों। तो इधर देखिए चूल्हा जला दिए हैं, कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, अभी कढ़ाई में डालते हैं तेल, और तेल थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है दोस्तों भरवा भिंडी में। तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं दोस्तों, और अब भिंडी को फ्राई करते हैं। तो एक एक करके भिंडी को फ्राई कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा आंच धीमी में ही फ्राई करेंगे। हम इधर बना रहे हैं, देखिए इन लोग का हरकत देखिए, तुम दिखाओ तो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा कन्हैया, डीजे में ऐसे करता है टेंगे, और मोबाइल में भी। भिंडी बनाने के लिए ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही आसान से एकदम फ्राई करना पड़ता है दोस्तों। फ्राई करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि मसाला एकदम बाहर ना निकल जाए, इसलिए एकदम धीरे धीरे से पलटी करेंगे दोस्तों, एकदम हल्का हल्का, और इसको एकदम बढ़िया से फ्राई करेंगे दोस्तों। अब फ्राई हो गया है, उठा लेते हैं देखिए इस तरह से, और थोड़ा आँच हमारा तेज हो गया दोस्तों, इसीलिए थोड़ा कढ़ाई को नीचे उतारना पड़ेगा, कि गोइठा ना आजकल बहुत ज़्यादा जलता है एकदम पूरा ज़्यादा, तो नीचे उतार देते हैं। तेज आंच में तो बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना चाहिए दोस्तों आप इसको हम नीचे में ही इस तरह से डाल देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज जल रहा है, गैस तो नहीं है जो हम कम कर सकते हैं आँच को, कढ़ाई को ही नीचे उतारना पड़ता हम लोग को। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल के बाद देखिए मस्त एकदम भरवा भिंडी बना लिए हैं दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से बनाए दोस्तों, क्योंकि जो चूल्हा दिख रहा ना, चूल्हा इतना तेज जलता है ना दोस्तों, गैस नहीं है जो हम लोग कम कर सकते हैं, तेज जलने लगता है, फिर कढ़ाई को नीचे उतारते हैं फिर चढ़ाते हैं। बहुत मुश्किल के बाद दोस्तों देखिए मस्त एकदम भरवा भिंडी बनाए, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, एकदम हमारा तो मुंह में पानी आ रहा है, एकदम मस्त बनाए, देखिए कितना ज़बरदस्त बनाए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनाए दोस्तों, इतना कलर देखिए कितना सुंदर बना है दोस्तों। भरवा भिंडी हम एक खा के भी बताते हैं, वैसे तो हम लोग रोटी से खाएंगे तो अच्छा लगेगा, चावल से भी अच्छा लगेगा, फिर भी हम एक खा के आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि कैसा बना है सो, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, गरम मसाला और अचार का मसाला दिए हैं तो बहुत ही टेस्टी बना दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग गया है ये चूल्हा पे, क्या करें, खाते हैं। मस्त लग रहा है, थोड़ा मुरमुरा टाइप बना है दोनों तो बहुत ही टेस्टी है, हम लोग चावल के साथ खाएंगे अभी, ऐसे ही आप लोगों को खा के दिखा दिए। तो हमारा छोटा सा रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।